विदिशा बेटी की शादी हो तो माता पिता को फुर्सत नहीं मिलती। कुछ ऐसे ही हालत गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। कभी बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचते तो कभी स्थल पर हर व्यवस्था पर उनकी नजर थी। वे दोपहर से रात तक व्यस्त रहे। आखिर उनकी तीनों बेटे की शादी जो थी, वे अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ एक सामान्य माता पिता की तरह हर व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। शाम को जब बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर तीन दूल्हों की बारात आई तो द्वारचार की रस्म उनके बेटे कार्तिकी और कुणाल ने निभाई। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वागत द्वार पर हाथ जोड़कर बारातियों की अगवानी की। इसके बाद विवाह की रस्में चलती रही और मुख्यमंत्री ने अपनी बेटियों को कन्यादान भी किया। रात में जब तीनों बेटियों की विदाई का वक्त आया तो प्रदेश के मुखिया भावुक हो गए। यह पल हर माता पिता के जीवन में आता है जब भी अपनी बेटी को विदा करते हैं, लेकिन यह मुख्यमंत्री अपनी दस्तक बेटियों को भी विदा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी सगी बेटियां विदा हो रही है। मुख्यमंत्री की कोई सगी बेटी नहीं है। उन्होंने 22 साल पहले सांसद रहते हुए 7 बेटियों को गोद लिया था। तब से वही बेटियां उनकी सब कुछ रही। उनके रहन सहन से लेकर पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी भी चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने निभाई है। सुंदर सेवा आश्रम में रहने वाली 7 में से 4 बेटियों की पहले शादी हो चुकी है। गुरुवार को प्रीति राधा और सुमन की शादी हुई। इस शादी के लिए मुख्यमंत्री 11 घंटे विदिशा में रहे। खुशी है सीएम साहब ने अपने हमको चुना अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। हमारा सौभाग्य है, बहुत खुशी भी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है, दोनों ही हो रहे हैं। आप अपना नया जीवन साथी पाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है जो सीएम साहब ने चुना है। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।